श्री महाभारत खिल भागे 51वां अध्याय में नागरिकों से भरी रंगशाला में मंचों तथा प्रेक्षागृहों की शोभा, कंस तथा मल्लों का आगमन, श्री कृष्ण और बलराम का रंग द्वार पर पदार्पण, कौल्यापीठ, महावत तथा हाथी के पादरक्षों का वध और दोनों बंधुओं का रंग स्थल में प्रवेश। विशंबान जी कहते हैं, जन्मेजय वह दिन समाप्त होकर के जब दूसरा दिन उपस्थित हुआ, तब युद्ध देखने की इच्छा वाले पुरवासियों से वे महान रंग स्थल भर गया। वहां जो मंच रखे गए थे विचित्रों से शोभित तथा आठ कोण वाले पायों से लंकित थे। जिन घरों में वे मंच थे उनके द्वारों पर वेदियां बनी थी और कुंडी के साथ किवाड़े भी थी। उनमें झरोखों के रूप में अर्धचंद्राकार छिद्र रखे गए थे। वे मंच और मंचागार उत्तम उत्तम बिछौनों से विभूषित थे। उन मंचागारों के द्वारा पूर्व अभिमुख थे। वे सब के सब सुंदर और खुले हुए थे, अथवा उनमें झीने सूत के मनोहर पर्दे लगे थे। फूलों की मालाएं तथा मोती आदि की लड़ियों से उन सबको सजाया गया था। वे शोभा संपन्न एवं अलंकृत मंचागार शरद ऋतु के बादलों के समान शोभा पाते थे। उनमें सुंदर मल्ल आदि यदास्थान बैठे थे, जिन्हें युद्ध के लिए भरी भांति भूषित किया गया था। उन सब के द्वारा वह समाज वाट या रंग स्थल मेघों की घटा से युक्त महासागर के समान शोभा पा रहा था। वहां एक ही शिल्प से जीवन निर्वाह करने वाले श्रेणी नामक कारीगरों तथा एक जाति के समुदायों के लिए पृथक पृथक मंच थे। उन मंचों पर जो पताकाएं निरंतर फहराती रहती थी, उनमें उन कारीगरों के उपकरण द्रव्य के चिन्ह अंकित थे। उन पताकाओं से वे मंच परतों के समान शोभा पाते थे। अंतःपुर की स्त्रियों के लिए अनेक प्रेक्षागार सुशोभित हो रहे थे, जो स्वर्ण से चित्रित तथा रत्नों की प्रभा से व्याप्त थे। रत्न राशि से निर्मित उन प्रेक्षागारों के ऊपरी भाग में पताकाएं फहरा रही थी और उनके निचले भाग में पर्दे पड़े हुए थे। इससे वे आकाश में पंख युक्त पर्वत के समान शोभा पाते थे। उन प्रेक्षागारों में चामरों, हारों, झनकारते हुए भूषणों तथा विचित्र मणियों की चित्र विचित्र प्रभाएं सब ओर फैल रही थी। गणिकाओं के लिए पृथक मंच बने थे, जो सुंदर बिछौनों और वस्त्रों से ढके हुए थे। वे सब के सब विमान के साथ कांतिमान दिखाई देते थे और मुख्य मुख्य वारांगनाएं उनकी शोभा बढ़ाती थी। वहां विख्यात आसन सोने के पलंग तथा बिछे हुए विचित्र एवं पुष्प गुच्छों से युक्त कालीन सुशोभित थे। वहां सोने के घड़ों में पीने के लिए जल रखे गए थे। जलपान के जो स्थान थे उन्हें भी शोभा से संपन्न किया गया था। वहां फल के टुकड़ों से भरी हुई चंगेरियां अर्थात टोकरियां रखी गई थी, जिन्हें जलपान या कलेवे के उपयोग के लिए वहां उपस्थित किया गया था। और भी बहुत से मंच थे जो लकड़ियों के ढेर से आबद्ध थे। उन पर भी अच्छे बिछावन डाले गए थे। इस तरह के सैकड़ों हजारों मंच वहां शोभा पा रहे थे। घरों के ऊपर जो घर थे उनमें स्त्रियों के लिए प्रेक्षा गृह बने थे। उनके दरवाजों पर महीन जालीदार पर्दा पड़ा था, जिससे वहां बैठे हुए लोग बाहर की सारी वस्तुएं देख सकते थे। वे प्रेक्षा भवन आकाश में राजहंसों के समान शोभित हो रहे थे। कंस के लिए जो प्रेक्षागार दृश्य देखने का स्थान बना था, वह अधिक शोभा से प्रकाशित हो रहा था। उसका दरवाजा पूर्व की ओर था, उस पर मनोहर जालीदार पर्दा पड़ा था। वह भवन मेरु पर्वत के शिखर के समान सुनहरी प्रभा से उद्भासित होता था। उसके खंभे स्वर्ण पत्र से जटित होने के कारण विशेष शोभा से संपन्न थे तथा वह भवन चारु चित्रों के सन्निवेश से शोभित था।
मालाओं की लड़ियों से भी उसे सजाया गया था। राजा की बैठक या निवास स्थान के लिए जो आवश्यक लक्षण होने चाहिए उन सब से वह संपन्न था। नाना प्रकार के मनुष्यों से भरा पूरा और जन समुदायों के शब्दों से प्रतिबिंबित होता हुआ वह समाज वाट या रंग स्थल चंचल लहरों वाले विशुद्ध महासागर के समान प्रतीत होता था। थोड़ी ही देर में वहां सन्नाटा छा गया और कोल्यापीड नामक हाथी रंगशाला के द्वार पर खड़ा रहे। ये आज्ञा देता हुआ राजा कंस अपने प्रेक्षागार में आ पहुंचा। उसने दो श्वेत वस्त्र धारण कर रखे थे, उन पर श्वेत चिवर और व्यंजन डुलाए जा रहे थे तथा उनके मस्तक पर श्वेत मुकुट प्रकाशित होता था। अतः वह श्वेत बादलों से युक्त चंद्रमा के समान शोभा पा रहा था। जब सिंहासन पर सुखपूर्वक विराजमान हुआ उस समय उस बुद्धिमान नरेश के अनुपम रूप को देख करके समस्त पुरवासी उसकी जय बोलते हुए उसे आशीर्वाद देने लगे। तंत्र मल्लों ने रंगभूमि में प्रवेश किया। उनके कपड़े फहरा रहे थे। वे बलशाली मल्ल अलग अलग तीन कक्षाओं में प्रविष्ट हुए। तत्पश्चात वाद्यों की तुमल ध्वनि के साथ मल्लों के गर्जने और ताल ठोकने के शब्द सुनाई देने लगे। इसी समय हर्ष से भरे हुए दोनों वसुदेव पुत्र रंगशाला के द्वार पर उपस्थित हुए। वे दोनों बंधु ग्वाल बालों के ही वेश में थे। उनके अंग सुंदर वस्त्रों से आच्छादित एवं सुशोभित थे। वे दिव्य चंदन अंगराग से भूषित थे। सिर के ऊपर पुष्पमाला और गले में गजरे शोभा दे रहे थे। उन्होंने अपनी भुजाओं को ही आयुध बना रखा था। वे दोनों जुड़वे से जान पड़ते थे और एक दूसरे की अर्गला के समान मोटी बाहों पर ताल ठोक रहे थे। वे दोनों सुंदर मुख वाले वीर बड़ी उतावली के साथ रंगशाला की ओर आ रहे थे, किंतु महावत के द्वारा अत्यंत प्रेरित किए गए उस मत वाले गजराज ने उन्हें सहसा रोक दिया। वह मदमत हाथी बड़ा ही दुष्ट था। महावत के हांकने पर उसने अपनी सूंड को सिकोड़कर श्री कृष्ण और बलराम को मार डालने का प्रयास किया। उस हाथी के त्रास देने पर श्री कृष्ण हंस पड़े और दुरात्मा कंस के उस मनसूबे की निंदा करने लगे। वे बोले, निश्चय ही जान पड़ता है कि ये कंस यमलोक में जाने के लिए उतावला उठा है, इसलिए इस हाथी के द्वारा वह मुझे कुचल देना चाहता है। तंत्र मेघ के समान गंभीर गर्जना करता हुआ मैं हाथी जब बहुत निकट आ गया तब भगवान गोविंद सहसा उछल करके ताली पीटने लगे। हाथी के सामने ही गर्जने और ताल ठोकने की आवाज करके उन्होंने जल के फुहारे छोड़ने वाली उसकी सूंड को अपनी छाती पर दबा दिया। फिर श्री कृष्ण उनके दोनों दांतों के बीच से होकर के पैरों के मध्य भाग में आ गए और जैसे हवा बादल को इधर उधर उड़ाती रहती है उसी प्रकार वह उस हाथी को सताने और व्याकुल करने लगी। वे उस हाथी की सूंड के अग्रभाग से निकलकर दांतों के भी अग्रभाग से बच करके तथा पैरों के भी बीच से छूट करके बाहर आ गए। फिर श्री कृष्ण ने उस हाथी को पीछे से ऊंचाई की ओर खींचकर घसीटना आरंभ किया। वह विशालकाय हाथी व्याकुल हो उठा और श्री कृष्ण को मारने में असफल हो अपने ही अंगों में मथित होता हुआ जोर जोर से चिंघाड़ने लगा। फिर तो वह दोनों घुटनों के बल गिर पड़ा। दोनों दांत भूमि से टकरा जड़ से हिल गए जिससे उसको बड़ी व्यथा हुई। मैं रोष से मद की धारा बहाने लगा मानो पावस मेघ पानी बरसा रहा हो। श्री कृष्ण ने उस हाथी के साथ बालकों के समान खिलवाड़ करके कंस के प्रति मन में द्वेष लेकर के कोल्यापीड को मार डालने का विचार किया। उन्होंने उसके ललाट में कुंभ स्थल से नीचे पैर लगा करके दोनों हाथों से एक दांत उखाड़ लिया और उस समय उसी से उसको पीटना आरंभ किया।
उस वज्रतुल्य दांत से पीटा जाता हुआ हाथी मलमूत्र त्यागने और आर्तभाव से चित्कार करने लगा। श्री कृष्ण ने जिसके अंगों को पीट पीट कर जर्जर बना दिया था, उस आर्तचित्त हाथी के दोनों गालों से वेग पूर्वक भूरी भूरी रक्त की धारा बहने लगी। इधर बलराम जी उसकी पूंछ पकड़ करके बड़े वेग से खींचने लगे, मानो शिला पृष्ठ में आधे शीत से छिपे हुए किसी सर्प को गरुड़ खींच रहे। हाथी को मार करके श्री कृष्ण ने उसके उसी दांत से एक प्रहार करके मतवाले महावत को भी मौत के मुख में डाल दिया। तदंतर दांत वाले हाथियों में श्रेष्ठ वह कुल्यापीठ दंतहीन होकर के महान आतनात करके वज्र से विदीर्ण हुए पर्वत के समान महावत सहित गिर पड़ा। फिर उन दोनों पुरुष प्रवर रणककर्ष वीरों ने फाटक के खंभे आदि लेकर के हाथी के पादरक्षों को भी मार डाला। उन सब का संहार करके वे दोनों भाई रंग स्थल में प्रविष्ट हुए, मानो दोनों अश्विनी कुमार इच्छा अनुसार स्वर्ग से भूतल पर उतर आए हों। उस समय वृष्णि अंधक तथा भोजकुल के यादवों ने वनमाला धारी श्री कृष्ण बलराम को देखा। उन दोनों वीरों ने गर्जने, किलकारने, भुजाओं पर ताल ठोकने, सिंगों के समान दहाड़ने और ताली पीटने आदि के द्वारा वहां के जन समुदाय को हर्ष से उत्फुल्ल कर दिया। भारत, व्यर्थ बुद्धि वाला भोजराज कंस उन दोनों भाइयों को उपस्थित देख करके उनके प्रति पुरवासियों के अनुराम और हर्ष को लक्ष्य करके विषाद में डूब गया। इस प्रकार कमल नयन श्री कृष्ण ने गरजते हुए गज श्रेष्ठ कौल्या पीठ को मार करके अपने पूर्वज बलराम जी के साथ उस समुद्र के समान विशाल जन समुदाय में प्रवेश किया। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में कौल्या पीठ हाथी का वाद विषयक 29वां अध्याय पूर्ण हुआ। 300वें अध्याय में रंगशाला में मल्ल युद्ध के विषय में श्री कृष्ण के विचार, श्री कृष्ण और बलदेव के द्वारा चानोर और मुष्टिक आदि का वध, कंस का संहार तथा पिता माता के चरणों में प्रणाम करके दोनों भाइयों का उन्हें घर में जाना। वशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय कमलनयन श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम को आगे करके बड़े वेग से रंगशाला में घुसे थे। उस समय उनके वस्त्र हवा के झोंके से फहरा रहे थे। हाथी का दांत उनकी पहचान कर लगाने वाला चिन्ह या उपलक्षण बन गया था। उनकी भुजाएं बड़ी सुंदर थी। देव की नंदन वीर श्री कृष्ण की बाहों में हाथी के मद और रुधिर इस तरह लपेटे थे कि उसमें लीला पूर्वक अंगद अर्थात बाजू बंद की रचना हो गई हो। वह सिंह की तरह उछलते तथा कंस वध की युक्ति सोचते हुए आकाश में बादल की भांति रंगशाला में विचर रहे थे। भुजाओं पर ताल ठोक करके जब वे उसकी ध्वनि फैलाते थे तब पृथ्वी को भी हिला देते थे। उन्हें हाथी के दांत की ही आयुध रूप से हाथ में लिए देख उग्रसेन कुमार कंस अत्यंत मलिन हो गया और वह बड़े रोष में भर करके उनकी ओर देखने लगा। अपने हाथ में सटे हुए उस गज दंत से शोभित होने वाले श्री कृष्ण अर्धचंद्र के बिंब से संयुक्त हुए एक शिखर वाले पर्वत के समान जान पड़ते थे। श्री कृष्ण के उछलने कूदते आते ही मैं समुद्र जैसा संपूर्ण रंग स्थल जन समुदाय के हर्षनाद से परिपूर्ण हुआ सा प्रतीत होने लगा। तंत्र क्रोध से लाल आंखें किए परम क्रोधी कंस ने महाबली अंध्र मल चनोड को, जो कपट युद्ध करने वाला था, श्री कृष्ण के साथ लड़ने का आदेश दिया और जिसका शेर
प्रस्तर समूह के समान सुदृढ़ था। उस कपटी महाबली मुष्टि को रोष में भरे हुए कंस ने बलदेव के साथ जूझने की आज्ञा दी। कंस ने चाणूर को तो पहले से ही यह आज्ञा दे रखी थी कि तुम्हें श्री कृष्ण के साथ यत्न पूर्वक युद्ध करना चाहिए। अतः रोष से लाल आंख किए चाणूर युद्ध करने के लिए श्री कृष्ण के निकट आया। उस समय वह जल से भरे पूरे मेघ के समान जान पड़ता था। राजा की ओर से शांत रहने की घोषणा होते ही वहां का जन समुदाय नीरव तथा निश्चल हो गया। तब वहां एक साथ बैठे हुए यादव इस प्रकार कहने लगे। पूर्वकाल में विधाता ने मल्ल युद्ध के विषय में ये नियम बनाया था कि ये युद्ध रंग स्थल के अखाड़े में केवल भुजाओं द्वारा हो, इसमें किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग ना किया जाए। इसमें दो व्यक्तियों का जोड़ निश्चित करने के लिए कोई ना कोई प्रेक्षक रहना चाहिए। इसमें कायर या डरपोक को सम्मिलित नहीं करना चाहिए। इसमें क्रिया अर्थात दाव पेच आदि और बल अर्थात शारीरिक शक्ति के द्वारा ही विपक्षी को परास्त करने की आज्ञा दी गई है। समयोचित कर्तव्य को देखते और समझने वाले पुरुषों को उचित है कि वे सदा योद्धाओं के लिए जल प्रस्तुत करके उनकी भारी थकावट दूर करें और गोबर का चूर्ण सुलभ करके पहलवान का सदा सत्कार करना चाहिए। युद्ध प्रेक्षकों ने यह बताया है कि जो जिस मार्ग दाव पेश से लड़े उसके साथ उसी के अनुरूप दाव लग कर भूमि पर खड़े हुए के साथ खड़ा होकर ही लड़ना चाहिए और एक एक योद्धा को क्रमशः एक एक के साथ लड़ाना चाहिए। कोई बालक हो, वृद्ध हो, मध्य अवस्था का हो, दुर्बल हो अथवा बलवान हो, वह यदि खाने में उतरे तो उसके जोड़ का विचार उसी की कक्षा के लोगों में से ही करना चाहिए। शारीरिक बल और क्रिया दाव पेश से ही बाहु युद्ध करने का विधान है। विज्ञ पुरुष को चाहिए कि प्रतिद्वंदी को गिरा देने के बाद उसके साथ और कुछ नहीं करे। इस समय रंगस्थल में श्री कृष्ण और अंध्रमल्ल चाणूर का युद्ध प्रस्तुत है, परंतु इसमें श्री कृष्ण तो अभी बालक है और चाणूर विशालकाय पहलवान है। इस विषमता पर विचार क्यों नहीं किया जाता? ये सुनकर के उस जन समाज में कोलाहल मच गया। तब भगवान श्री कृष्ण उछल पड़े और इस प्रकार बोले, मैं बालक हूं और ये महामल अंध्र शीर से पर्वत जैसा दिखाई देता है, तथापि इस बाहुबली वीर के साथ मेरा युद्ध हो ये मुझे पसंद है। मेरी ओर से युद्ध संबंधी नियम का कोई उल्लंघन नहीं होगा। बाहु युद्ध करने वाले योद्धाओं का जो मत है उसे मैं कलंकित नहीं करूंगा। गोबर के चूर्ण को उपदन के समान शीर में मलना, जल से धोना और गेरू के रंग का लेपन करना रंग स्थल अखाड़े में उतरने वालों का धर्म है। यह मल्लों का बनाया हुआ आचार है। संयम अर्थात एक दूसरे को पीछे हटाना, स्थिरता अर्थात स्थान से ना हटना, शौर्य व्यायाम अर्थात स्थिर रहते हुए भी हाथ पैर चलाना, सत्क्रिया अर्थात सद्वर्ताव मरम स्थान में चोट ना पहुंचाना, असद्व्यवहार से बचते हुए भी अधिक से अधिक बल प्रयोग करके इन छह साधनों के द्वारा रंग भूमि में विजय रूप सिद्धि का प्राप्त होना निश्चित है। यह मल्ल युद्ध के विद्वानों का मत है। ये चाणूर अथवा कंस का
वैर रहित युद्ध को भी वैर युक्त कर देने पर तुला हुआ है। अतः यहां इसका निग्रह करना आवश्यक है, ऐसा करके मैं संपूर्ण जगत को संतुष्ट करूंगा। यह चानूर नामक बाहु योद्धी मल करुष देश में उत्पन्न हुआ है, इसके शीर और कर्म से जो घटनाएं घटित हुई हैं उन पर भी आप लोग विचार कर लें। इसने रंगभूमि में अपना प्रताप प्रकट करने या दबदबा जमाने की इच्छा से बहुतेरे पहलवानों को भूमि पर गिराने के बाद मार डाला और इस प्रकार मल्ल मार्ग को कलंकित किया है। शस्त्र द्वारा युद्ध करने वाले योद्धाओं के लिए संग्राम में शत्रु को विदीर्ण कर देना ही सिद्धि है, परंतु मल को प्रतिद्वंदी मल को गिरा देने मात्र से रंग स्थल में विजय रूप सिद्धि प्राप्त हो जाती है। शस्त्र युद्ध में विजय पाने वाले की को अक्षय कोटि कीर्ति प्राप्त होती है। यदि वह रण क्षेत्र में शस्त्रों द्वारा मारा गया तो भी उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। शस्त्र युद्ध में मारे जाने वाले को तथा मारने वाले दोनों को ही सिद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि वह प्रामांतक यात्रा है जिसकी महान पुरुषों ने भली भांति पूजा प्रशंसा की है। परंतु यह मल्ल युद्ध का मार्ग शारीरिक बल और दाव पेच के कौशल से प्रकट हुआ है। अखाड़े में मरने वाले को कहाँ स्वर्ग मिलता है अथवा जीतने वाले को कहाँ का सुख प्राप्त होता है? किसी पंडित मानी राजा का प्रताप बढ़ाने के लिए जो कोई भी मल्ल किसी पहलवान के द्वारा अपने अपराध से मारे गए हैं वहाँ उस मल हत्यारे को हत्या जनित पाप ही लगता है। जब श्री कृष्ण ऐसा कह रहे थे उसी समय उनमें और चानूर में दोनों में ही अत्यंत दारुण एवं भयानक युद्ध होने लगा, जैसे वन में दो हाथी लड़ पड़े। उनमें से जब एक दूसरे का कोई अंग जोर से दबाता तब दूसरा तुरंत उसका प्रतिकार करता, उस अंग को उसकी पकड़ से छुड़ा लेता था। दोनों एक दूसरे के हाथों को मुट्ठी से पकड़ करके विवश कर देते और विभिन्न ढंग से परस्पर प्रहार करते थे। दोनों ही एक दूसरे को अपनी भुजाओं में बांध करके रोक लेते। कभी दोनों आपस में गुथ जाते पर फिर धक्के दे करके दूर हटा देते। कभी एक दूसरे को जमीन पर पटक करके रगड़ते तो दूसरा नीचे से ही कुल्लांच करके ऊपर वाले को दूर फेंक देता था, या लिए दिए खड़ा हो अपने शीश से दबा करके उसके अंगों को भी मथ डालता था। वे दोनों ही एक दूसरे से सत करके ऐसे जान पड़ते थे मानो दो पर्वत परस्पर भिड़ गए हों। कभी दोनों को बलपूर्वक पीछे हटाते और मुक्कों से एक दूसरे की छाती पर चोट करते थे। कभी एक का दूसरा अपने कंधे पर उठा लेता और उसका मुंह नीचे कर घुमा करके पटक देता था, जिससे एक शब्द होता मानो किसी सूकर ने चोट की हो। कभी वे दोनों सीधा एक दूसरे के शीर पर कोनिया और घुटनों से चोट करते थे। कभी हाथ की उंगलियों को फैला करके एक दूसरे को पीटते थे। कभी आपस में पंजे लड़ाते थे। कभी रोषपूर्वक उंगलियों के नखों से बकोट लेते थे। कभी पैरों में उलझा करके दोनों को गिरा देते। इस प्रकार भयंकर दाव पेच का प्रयोग करते थे। कभी घुटनों और सिर से टक्कर मारते थे जिससे पत्थरों के टकराने के समान शब्द होता था। जन समुदाय के समक्ष किए जाने वाले उस उत्सव में शूर वीरों के निकट उन दोनों में केवल बाहुबल शारीरिक बल तथा प्राण बल से किसी अस्त्र शस्त्र के बिना ही बड़ा भयंकर युद्ध हुआ।
उसे युद्ध के रंग में सब लोग रंग गए। सभी दर्शक विजेता का उत्साह बढ़ाने के लिए जोर जोर से हर्षनाद कर उठते थे। दूसरे लोग मंचों पर बैठे बैठे ही साधु साधु बहुत अच्छा की घोषणा करते थे। ये सब देख सुनकर के कंस के बदन से पसीना छूटने लगा। उसकी आंखें श्री कृष्ण की ओर ही लगी थी। उसने बाएं हाथ से संकेत करके बाजे बंद करवा दी। कंस ने जब मृदंग आदि वाद्यों का बजाना रोक दिया, तब आकाश में देवताओं के अनेक प्रकार के वाद्य सता एक साथ बज उठे। कमल नयन श्री कृष्ण के युद्ध करते समय सब प्रकार के वाद्य स्वयं ही बजने लगे और उनकी ध्वनि सब ओर छा गई। देवता अदृश्य होकर के श्री कृष्ण की विजय चाहते हुए अपने काम रूपी विमानों पर विद्याधर गणों के साथ वहां आकाश में विचर रहे थे। समस्त सप्तऋषि वहां के आकाश में स्थिर होकर के कहने लगे, श्री कृष्ण तुम्हें इस महारूपधारी दानव चानोर पर विजय प्राप्त हो। कंस की मृत्यु को समीप देखने वाले देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने चानोर के साथ चिरकाल तक युद्ध की लीला करके अपने में अनंत बल का समावेश किया। फिर तो धरती डोलने लगी, वहां बिछे हुए मंच झूमने लगे और कंस के मुकुट से भी उत्तम मणि गिर पड़े। चानोर की जीवनी शक्ति तथा आयु क्षीण हो चुकी थी। श्री कृष्ण ने अपनी दोनों भुजाओं से चानोर को झुका करके उसकी छाती में घुटने से चोट करके उसके मस्तक पर मुक्के से प्रहार किया। इससे स्नायु बंधन तथा आंसू और रक्त के साथ उसके दोनों आंखें बाहर निकल आई और ऐसी दिखाई देने लगी मानो हाथी को कसने वाली रस्सी या जंजीर में दो सोने की घंटियां लटक रही। आंखें निकल जाने पर जीवन के अंत में प्राण शून्य हुआ चानोर अखाड़े के बीच में गिर पड़ा, जिसकी आयु समाप्त हो गई थी। उस चानोर मल के शीर से वह विशाल रंग स्थल इस प्रकार अवरुद्ध दिखाई देता था मानो किसी पर्वत से रुद्ध किया हो। बालाभिमानी चानोर के मारे जाने पर रोनी नंदन बलराम ने उस रंगभूमि में मुष्टिक को पकड़ लिया तथा श्री कृष्ण पुनः तोषल को धार दबाया। युद्ध आरंभ होने पर पहले तो काल के अधीन हुए वे दोनों असुर मल क्रोध से मूर्छित होकर के बलराम और श्री कृष्ण से भिड़ गए, परंतु जब उन दोनों वीरों को मार पड़ी तब वे सिर झुका करके खाड़े में इधर उधर उछल कूद मचाने लगे। बलवान श्री कृष्ण ने पर्वत शिखर के समान विशालकाय तोषल को दोनों हाथों से उठा लिया और 100 बार घुमाने के बाद पृथ्वी पर पटक कर उसे पीस डाला। श्री कृष्ण के द्वारा अक्रांत एवं पीड़ित होकर के मरणासन्न हुए उस महाबली मल के मुख से बहुत अधिक रक्त निकलने लगा। इधर महाबली महामल संकर्षण आंध्रदेशीय मल मुष्टिक के द्वारा देर तक युद्ध करके उसे कुश्ती के अनेक पैंतरे दिखाने लगे। फिर उन तेजस्वी वीर ने उनके मस्तक पर एक मुक्का मारा, उससे वज्रपात के समान शब्द हुआ मानो किसी महान पर्वत पर वज्र से आघात किया गया हो। इससे उसका मस्तक फट करके गिर पड़ा, आंखें निकल आई और बलराम जी के द्वारा मारा गया वह मल पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसमें बड़े जोर से धमाके का शब्द हुआ। आंध्रदेशीय मुष्टिक और तोशल इन दोनों को मार करके श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई क्रोध से लाल आंखें किए अखाड़े में उछलने कूदने लगे। उस समय महामल चानूर और मुष्टिक के मारे जाने पर वह समाजवाट रंग भवन मलों से सूना हो गया और अत्यंत भयंकर दिखाई देने लगा। नंद आदि जो जो गोप ये सब देख रहे थे, उनके सारे अंग भय से शुभ्ध हो उठे थे। वे सब लोग वहाँ चुपचाप बैठे थे। उधर
देवकी थर थर कांपती और दोनों नेत्रों से हर्ष जनित आंसुओं की वर्षा करती हुई पीड़ित हो रही थी। श्री कृष्ण और देख रही थी। श्री कृष्ण दर्शन जनित आंसुओं से भरे हुए नेत्रों वाले वसुदेव जी मानो वृद्धावस्था त्याग करके वात्सल्य स्नेह से परितुष्ट परिपुष्ट होकर के तरुण हो रहे थे। वहाँ जो मुख्य मुख्य वारांगनाएं उपस्थित थी वे सब के सब निमेश के भीतर चलने वाले नेत्र रूपी भ्रमरों द्वारा श्री कृष्ण के मुखार विंद का रसपान करने लगी। अंतर श्री कृष्ण को देखने से कंस के मुख में दोनों भौहों के बीच रोषवश पसीना निकल आया। श्री कृष्ण के पति कंस जो कठोरता प्रकट करता था वह जिसका धुआं था तथा रोष रूपी उच्छ्वास वायु जिसे प्रज्वलित कर रही थी उस मानसिक चिंता रूपी आग ने कंस के आंतरिक हृदय को जलाना आरंभ कर दिया। जिसके होठ फटक रहे थे और ललाट में पसीना निकल आया था कंस के उस मुखमंडल का स्वरूप रोष के कारण लाल सूर्य के समान प्रज्वलित होता था। क्रोध से लाल हुए कंस के मुख से जो पसीने की वो निकली थी वे वृक्षों के पत्तों पर पड़े हुए उन ओस कणों के समान शोभित होती थी जिन्हें सूर्य की किरणों का स्पर्श प्राप्त होता है। उसने अचंत कुपित होकर के बहुत से व्यायामशाली पुरुषों को आज्ञा दी कि इन दोनों वनेचर गोपों को इस जन समुदाय से बाहर निकाल दो। ये दोनों विकृत हो गए हैं, इन्हें देखना भी पाप है, मैं इनकी ओर दृष्टिपात करना नहीं चाहता। गोपों में से कोई मेरे इस राज्य में नहीं रह सकता। खोटी बुद्धि वाला नंद गोप सदा मेरे प्रति कपट पूर्ण वर्तावों में ही तत्पर रहा है, अतः इसे लोहे की बेड़ियां और हथकड़ियों में बांध करके कैद कर लो। दुराचारी वसुदेव सदा मुझसे द्वेष रखता है, इसे आज ही शीघ्र से शीघ्र ऐसा कठोर दंड दो जो अवृद्ध नौजवान पुरुषों के योग्य हो। ये जो दामोदर का आश्रय लेकर के रहने वाले गंवार गोप हैं इन सब की गुमों को तथा तो इनके पास जो कुछ धन हो उसको भी छीन लो। इस तरह आज्ञा पाते और कठोर बातें कहते हुए उस कंस की ओर सत्य प्रकर्मी श्री कृष्ण ने आंखें फाड़ करके देखा। पिता वासुदेव तथा नंद गोप पर आक्षेप होते ही केशव कुपित उठे। उन्होंने बंधु बांधवों को व्यथा और माता देवकी को अचेत अवस्था में देख करके कंस का विनाश करने के लिए उनके मंच पर चढ़ने का विचार किया। उस समय केशव का प्रकर्म जाग उठा और अपनी महिमा से कभी अलग ना होने वाले माँ बाहु श्री कृष्ण उस रंग स्थल से सिंह के समान वेग पूर्वक उछले और कंस के सिंहासन के पास जा पहुंचे। ठीक उसी तरह जैसे आकाशवर्ती महामेघ वायु से फेंका जा करके दूर पहुंच जाता है। वे कब अखाड़े से कूदे हैं इसको सब लोगों ने नहीं देखा। पुरवासियों को वे केवल कंस के पास खड़े दिखाई दिए। काल धर्म मोक्ष से गिरा हुआ कंस भी व्याकुल हो उठा और उसने यही समझा कि भगवान गोविंद आकाश से ही मेरे पास उतर आए हैं। श्री कृष्ण ने अपनी परिघ जैसी मोटी एक बांह बढ़ा करके रंगशाला में कंस की छुट्टी पकड़ ली। उस समय श्री कृष्ण के हाथ से पकड़े गए कंस के सिर से उसका वज्र मणि से विभूषित स्वर्ण में मुकुट खिसक करके गिर पड़ा। जैसे किसी ग्रह ने केश पकड़ लिए हों उस अवस्था में पड़ा हुआ कंस निश्चेष्ट हो गया तथा किंकृत्य विमूढ़ होकर के व्याकुलता में पड़ गया। केश पकड़ लिए जाने पर कंस मुर्दा सा हो गया। वह लंबी सांस लेता हुआ उस समय कृष्ण के मुख की ओर दृष्टि नहीं डाल सका। उसके कानों से कुंडल खिसक गए, वक्षस्थल का हार छिन्न भिन्न हो गया।
दोनों भुजाएं लटक गई, सारे अंगों के आभूषण गिर गए, चादर खिसक गई और उसने सहसा उसके कंठ को आवेष्टित कर लिया। श्री कृष्ण के अनुपम तेज से झटके के साथ नीचे डाला गया कंस पृथ्वी पर गिर करके छटपटाने लगा। उस समय श्री कृष्ण मंच से निकल करके बाहर आ गए। कंस क्लेश युक्त शोचनीय अवस्था में पड़ गया था। श्री कृष्ण पुनः बलपूर्वक उनके सिर के बाल पकड़ करके उस महान रंग स्थल में उसे घसीटने लगे। श्री कृष्ण के द्वारा घसीटे जाते हुए महातेजस्वी भोजराज कंस ने उसे रंगशाला में अपनी देह की रगड़ से खाई सी बना दी। रंगशाला में खिलवाड़ करते हुए घसीट करके निर्जीव हुए कंस के शरीर को श्री कृष्ण ने पास ही छोड़ दिया। उसका जो शरीर सुख भोगने के योग्य था वह मर्दित होकर के पृथ्वी पर सो गया। शूरवीरों के लिए योग्य विपरीत विधि से धूल में सन करके वह कोमल अंग कठोर हो गया। गर्दन टूट जाने से उसका शरीर अस्त व्यस्त हो गया। उसके नेत्र बंद हो गए, वे तथा उसका श्याम मुख मुकुट के बिना डाल रहित कमल के समान शोभित नहीं हो रहा था। कंस बिना युद्ध के मारा गया था। इसके शरीर पर बाणों से घाव नहीं होने पाया था। उसको केश पकड़ करके घसीटा गया था। इस अवस्था में उसके प्राण निकले और वह वीरोचित मार्ग से भ्रष्ट हो गया। उसके शरीर में श्री कृष्ण द्वारा सहसा गड़ाए गए उनके सभी नखग्र कंस के जीवन का उच्छेद करके प्रकाशित हो रहे थे। वे उसके मांस को छेद छेद करके सघन रूप से वहां अंकित हो गए थे। उसका वध करके कमल नयन श्री कृष्ण ने को इतना अपार हर्ष हुआ कि उनके अंगों की प्रभा द्विगुण दीप्ति से प्रकाशित हो उठी। उन्होंने जगत के लिए कंटक रूप कंस का विनाश करके पिता वासुदेव के दोनों चरणों में प्रणाम किया। तत्पश्चात यदुनंदन श्री कृष्ण ने माता के दोनों चरणों में अपना मस्तक रख करके उनकी वंदना की। उस समय देवकी आनंद अतिरेक से निकले हुए अपने दूध से उन्हें सींचने लगी। तंत्र अपने तेज से उद्दीप्त हुए श्री कृष्ण ने वह और स्थिति के अनुसार उन समस्त यादों की कुशल पूछी। इधर धर्मात्मा बलदेव ने भी कंस के ओजस्वी भ्राता सुनामा को अपनी दोनों भुजाओं द्वारा ही वेगपूर्वक मार गिराया। शत्रु और क्रोध दोनों को जीत करके व्रज में चिरकाल तक रहते हुए वे दोनों वीर मन ही मन हर्ष और उल्लास से भर करके अपने पिता के भवन में गए। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में कंस वध विषयक 30वां अध्याय पूर्ण हुआ।